एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, मज़ेदार रेसिपीज आने वाली हैं। हमारे साथ जुड़े रहें कुकिंग विद बीवी के साथ। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए सिंपल चिकन करी इन पंजाबी स्टाइल, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि सिंपल चिकन करी बनाइए, चिकन करी डालिए। तो ये लीजिए, आप सभी के लिए रेसिपीज़ आ गई हैं चिकन करी की। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेप वन है, हमें यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से मसाला लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो ऐड किया है। नमक हमें स्वाद अनुसार, लाल मिर्च जितना आप तीखा खाते हैं उसके अनुसार, हल्दी आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, आधी टेबल स्पून दही, दो बड़े चम्मच बिना पानी वाले, तेल एक बड़ा चम्मच, और मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसको एक घंटे कम से कम हमें छोड़ देना है। स्टेप टू जो हम करेंगे, हमें कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल डालना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, एक बड़ा चम्मच तेल काफ़ी है आधा किलो चिकन में। उसके बाद कोई सा भी तेल ले सकते हैं, यहाँ मैंने सरसों का लिया है। उसको गर्म होने के बाद यहाँ पे हमें खड़े मसाले डालने हैं, दो तेज पत्ता, लौंग 2 से 4, काली मिर्च 8, इलायची 1, थोड़ा सा जीरा जो यहाँ मैं भूल गई थी, और प्याज आप 2 बड़े प्याज डाल दीजिएगा। मेरे पास छोटे प्याज से तो मैंने वो डाले हैं। इसके बाद अदरक और लहसुन डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से चलाएंगे, पकने देंगे, और जैसे ही वो पक जाए, कलर आ जाए प्याज का, उसके बाद हम यहाँ पे अपना टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद सॉल्ट, नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, हल्दी, गरम मसाला और चिकन मसाला 2 बड़े चम्मच। इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे और जैसे ही थोड़ा सा गलने लग जाए, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट तक ढक कर स्लो फ्लेम में इसको छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से हमारी जो टमाटर प्याज अच्छे तरीके से वो अच्छे से घुल जाए, पक जाए अच्छी तरीके से। जैसे ही अच्छा जितना ये पकेगा, उतनी ही हमारी चिकन करी टेस्टी बनेगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे मसाले ऐड कर दिए, इसमें पानी डाल लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से, क्योंकि फ्लेवर ही इसमें जो चिकन करी का जो फ्लेवर आएगा वो यहीं से आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से पकाएं, इसमें कोई कंजूसी ना करें। इसके बाद ये सब होने के बाद हमारा जो स्टेप 3 है, इस पेस्ट को ठंडा होने देंगे कम से कम 15 मिनट, क्योंकि गर्म नहीं करेंगे, गर्म मिक्सी में नहीं हम इसे पीसेंगे। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा, मिक्सी में निकाल के अच्छी तरीके से इसको पीस देंगे। पीसने के बाद एक छन्नी से हम इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि वो टमाटर के जो मोटे मोटे छिलके वैसे ना आए। तो छानने के बाद स्टेप 4 जो है, हमने कढ़ाई ली, वही सेम कढ़ाई मैंने यहाँ ले ली। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो पेस्ट था वो डाल दिया, और मिक्सी में जो भी पेस्ट लगा हुआ था उसका, उसमें पानी डाल के लेफ्ट ओवर मैंने यहाँ पे पानी आया, नमक डालेंगे। उसके बाद हम चिकन डालेंगे। मेरा चिकन था बोन वाला, तो 15 से 20 मिनट को स्लो फ्लेम में पकने देंगे। अगर बोनलेस है तो आप 10 मिनट पकाएं और तब तक ना गले। उसके बाद टेस्ट में नमक आप टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद हमारा सिंपल चिकन करी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। सर्व के साथ धनिया ऐड करें इसमें, इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, इंजॉय करें, और हमें बताएं हमारी सिंपल चिकन करी पंजाबी स्टाइल की आप सभी को कैसी लगी है। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।